अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं सब ध्यान रखना। देखो ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है वही ये जो तो मीनिंग नो तो एवरीबडी देता है वही एवरी वन देता है जो मीनिंग एवरी एनी बडी देता है जो देता वही एनी वन देता है और जो मीनिंग नो बडी देता है वही नो वन देता है डिफरेंस क्या है कि इसका उपयोग जो होता है बडी वाले का एक ग्रुप के लिए होता है आउट ऑफ ग्रुप कोई भी हो सकता है इसके बाद समथिंग एनीथिंग एवरीथिंग नथिंग ये लगता है थिंग्स के साथ चीजों के साथ जैसे मेरे पास कुछ है आई हैव समथिंग, आई हैव समथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है आई हैव नथिंग मेरे पास सब कुछ है आई हैव एवरीथिंग आई हैव एवरीथिंग और आप कुछ भी बोल सकते हो यू कैन स्पीक एनीथिंग मैंने मान लीजिए आपको एक टॉपिक दिया यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट शुड आई स्पीक मैंने कहा यू कैन स्पीक एनी आप कुछ भी बोल सकते हो आप कुछ भी बोल सकते हो यू कैन स्पीक एनी ऐसे ही तुम कहीं जा रहे हो आर गोइंग समवे मैं जानता हूं तुम कहीं जा रहे हो आई नो आर गोइंग समवे मुझे बताओ कहां जा रहे हो टेल मी वेर यू आर गोइंग तुम कहीं भी जाओ यार तुम कहीं भी जाओ यू गो एनी तुम कहीं भी जाओ मुझे परवाह नहीं है यू गो एनी आई डोंट केयर तो कहीं भी जाओ कहीं भी को कहते एनी वेयर कहीं को कहते हैं साउवेयर कहीं भी को कहते एनी वेयर तुम कहीं भी जा सकते हो यू कैन गो एनी तुम सभी दूर जा सकते हो यू कैन गो एवरीवेयर तुम कहीं नहीं जा सकते इस जगह को छोड़कर यू कैन गो नो वेयर बाई लिविंग दिस प्लेस मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा आई विल नॉट गो एनी वेयर बाई लिविंग दिस प्लेस और यू कैन से आई विल गो नो वेयर बाय लिविंग दिस प्लेस तो इस तरीके से आपका यूज होता है अब इनके साथ में क्या करो एक वर्ड लगा दो एल्स 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 और एवरीथिंग एल्स नहीं होता इसलिए उसके साथ नहीं लगाएंगे अब समथिंग मतलब होता है कुछ समथिंग एल्स कुछ और जैसे आप एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए गए ओके नाउ यू हैव परचेज लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स नाउ द शॉपकीपर विल आस्क यू यस सर डू यू वांट एनीथिंग एल्स डू यू वांट एनीथिंग एल्स क्या आपको कुछ और चाहिए तो आपने कहा यस आई वॉन्ट समथिंग एल्स बट आई एम बिट कंफ्यूज वट शुड आई बाय वॉट शुड आई बाय ठीक है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि मुझे क्या खरीदना है तो आई वॉन्ट समथिंग एल्स मतलब मुझे कुछ और चाहिए आप कुछ और भी बोल सकते हो यू कैन स्पीक एनीथिंग एल्स तो ये एल्स लगने से वो मीनिंग में और एड हो जाता है कुछ और एनीथिंग एल्स जैसे आपने खूब सारा ब्ला, ब्ला, ब्ला करके बहुत सारा बोल दिया इन देंड मैंने कहा एनीथिंग एल्स कुछ और हो तो वो भी बोल दो तो आपने कहा नो इट्स इनफ नथिंग एल्स अब और कुछ नहीं नथिंग एल्स यू गॉट इट तो इस तरीके से आप इसमें एल्स भी लगाना चाहो लगा दो कोई गल नहीं है ना ऐसे ही देखो समवन इसमें भी लगा दो समवन एल्स एनी वन एल्स ये तो बनेगा नहीं नो वन एल्स समबडी एल्स एनीबडी एल्स एवरीबडी एल्स नहीं होता है नो बडी एल्स जैसे एक स्टेज पर आया समबड़ी कैम ऑन else, मतलब और कोई तो कोई भी नहीं आया मैंने कहा नोबडी एल्स मतलब कोई भी नहीं आना चाह रहा तो कोई भी और नहीं तो और के केस में ये एल्स आपका ऐड हो जाता है इस चीज को ध्यान दो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है मैं एक बार सेंटेंस पूछता हूं आप खुद रैंडम बनाओगे फटाफट बना लोगे ऐसे समवेयर एल्स तुम कहीं और जा रहे हो यू आर गोइंग समवेयर एल्स एनी वेयर एल्स एवरीवेयर तो होगा नहीं नो वेयर एल्स कहीं और अब नहीं नो वेर एल्स ठीक है नो नीड टू फाइंड हिम एनी वेयर एल्स उसको अब और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है नो नीड टू फाइंड हिम एनी वेर एल्स मैं जानता हूं वो कहां है आई नो वेयर ही इज नो नीड टू फाइंड हिम एनीवेर एल्स ठीक है Because बिकॉज वी him फाउंड वेयर बट we did not find him. So I know where he is. No need to find him anywhere else. उसे और कहीं ढूंढने की जरूरत अब नहीं है So ऐसे basically आप उसमें else लगाओगे एक नया meaning create हो जाएगा तो पहले तो ना बेसिक चीज को समझो मैंने कहा कोई आ रहा है समबडी इज गोइंग कोई और आना चाहेगाबडडी एज वु लाइक टू कम यर कोई और वहां जाना चाहेगा, somebody एज uh, would लाइक टू गो there. क्या कोई और वहां जाना चाहेगा इज एनीबडी एज वुड लाइक टू गो देर क्या कोई और स्टेज पर आना चाहेगा वुड एनीबडी एल्स लाइक टू कम ऑन द स्टेज तो आना दिसेगा वु एनीबडी एल लाइक टू कम ऑन द स्टेज क्या कोई और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहेगा वुड एनीबडी एज लाइक टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक तो आपने कहा यस सर आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक दैट्स गुड और कोई भी इस टॉपिक को नहीं समझाना चाहेगा कोई भी और इस टॉपिक को नहीं समझाना चाहेगा नो बड़ी एज वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी टफ ओके किसी ने uh, उसकी कार चुरा चुरा ली स्टोल कार किसी ने उसका सेल चुरा लिया स्टोल समल स्टोल समल फोन किसी ने उसका सेल चुरा लिया तो इस तरीके से आपका सम यूज होता है एनी वन एनी वन एल्स एवरी मैंने कहा सभी जा रहे हैं एवरी इज गोइंग कल सभी एबसेंट हैं स्टरडे एवरी वन वॉज एबसेंट या फिर क्या बोल सकते हो एवरीबडी वॉज एबसेंट ओके कल कोई भी एबसेंट नहीं था नो वन वॉज एब्सेंट यस्टर्डे एवरीबडी वॉज प्रेजेंट नो वन वॉज एब्सेंट यसटर्डे एवरीबडी वॉज प्रेजेंट यसटर्डे मैं जानता हूं कल कोई एबसेंट नहीं था आई नो नो वन वॉज एब्सेंट यस्टर्डे आई नो नो वन वॉज एब्सेंट यस्टर्डे तो दिस इज द वे टू वर्क ये तरीका है ये पैटर्न ही ये स्टडी तो जब तक ये पैटर्न के साथ चीजों को नहीं सीखोगे ना थिंग्स आर गोइंग टू बी टफ चीजें आपको टफ लगेंगी, चीजें आपको डिफिकल्ट लगेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आ रहा होगा समथिंग एल्स एनीथिंग एल्स ठीक है कुछ और सीखना है क्या आपको क्या कहेंगे क्या कुछ और सीखना है आपको डू यू want टू लर्न या डू यू हैव टू लर्न एनीथिंग एल्स क्या कुछ और बोलना है क्या आपको क्या कुछ और बोलना है क्या आपको डू यू हैव टू स्पीक एनीथिंग एल्स नहीं मुझे आप और कुछ नहीं बोलना नो आई डोंट हैव टू स्पीक एनीथिंग एल्स और यू कैन से इन डायरेक्टली नथिंग एल्स शॉर्टकट में नथिंग एल्स बोल के बच जाओ कुछ और खाओगे नथिंग एल्स कुछ और बोलोगे नथिंग एल्स कुछ और लिखना है डू यू वॉन्ट टू राइट एनीथिंग एल्स या mm, yeah, कुछ लिखना तो है यस आई हैव टू राइट समथिंग एल्स कुछ बोलना तो है यस आई हैव टू स्पीक समथिंग एल्स कुछ करना तो है यस आई हैव टू डू समथिंग एल्स बट पता नहीं क्या करना है बट डोंट नो व्हाट टू डू बट कुछ करना तो है बट कुछ करना तो है यू नो सो दिस इज द वे टू वर्क तो बेसिकली आप चीजों को सिस्टमेटिक वे से समझे तरीके से समझे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है लेकिन होता है क्या है हम लोग है ना रट्टाफिकेशन पे वर्क करते हैं नो वी डोंट नीड टू क्रेम देम। वी नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखो मैंने अभी आपको कौन सी ट्रिक बताई थी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सम एनी एवरी और नो इसको किसके साथ जोड़ो बडी वन थिंग और वेयर

Somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. sir. 16. Language we need to learn through the right method.